यमुनानगर में 2 दिन पहले धर्म परिवर्तन का मामला आज फिर गर्मा गया। इस मामले को लेकर जमकर हंगामा हुआ, तो वहीं हिंदू संगठनों ने पहले गांधीनगर के थाने के बाहर जाम लगाया। उसके बाद 2.5 घंटे तक थाने के बाहर पुराने हाईवे को भी उन्होंने जाम किया। वहीं डीएसपी के साथ बैठक में हिंदू संगठन के लोगों को लिखित में ये आश्वासन मिला कि ईसाई मत के लोग आज के बाद धर्मांतरण नहीं करवाएंगे, जिसके बाद ये मामला शांत हुआ और जाम खोला गया। वहीं ईसाई धर्म के लोगों का कहना था कि उनके ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उन्होंने वैसा कुछ नहीं किया और ना ही वे किसी पर दबाव बनाते हैं। इसका सेल निकला जी कि आज के बाद जो जिला अध्यक्ष हैं पास्टर के, उन्होंने इन्होंने सबने आपस में विचार करके तय किया है कि जिला यमुनानगर में आज के बाद किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो थोड़ा सा क्या करें, अब इस देश में कानून जाम लगने से बदले जाते हैं। हमने सोचा थोड़ा सा हम भी उसका एक प्रैक्टिस ही कर लें कि कुछ होता है कि नहीं। क्या पास्टर के टैबलेट में ये नहीं लिखा था कि मूर्ति पूजा करने वाले अंधकार में जाएंगे, नरक में जाएंगे? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो अंदर एसपी साहब से पूछो, तो मानने वाले वो तो स्वर्ग में जाएंगे। हम क्यों बर्दाश्त करें इन चीजों को? स्वर्ग से आज के इससे किस तरह का माहौल खराब हो जाएगा? इसलिए कृपया निवेदन ये है कि समस्या को जड़ से खत्म करना चाहिए। माननीय मंत्री जी से भी मिलेंगे आज या कल, जैसे भी निर्णय, कि एक SIT बने कि अपने जिले में कितने क्रिश्चियन हैं, कितने सरकारी नौकरियों पे हैं और उनको क्या क्या आरक्षण उससे मिल रहा है जो देश का कानून है उस दायरे। तो जैसे मिलेंगे, अभी योजना बनाएंगे और उसके अनुरूप हम फाइनल। सूरज प्रकाश है पंडित, उसकी लड़की मोना है, उसने ईसाई धर्म अपना रखा है, लेकिन उनके परिवार में इस बात को लेकर आपस में झगड़ा है। जो झगड़ा होने के कारण उसने अपने घर पे ईसाई धर्म के पादरी को बुलाया था, जिसमें क्या है वो घर वालों को इतराज होया और उसके, क्योंकि वो उसने जो उसके वहाँ मौके से जो लैपटॉप वगैरह मिला है उसमें उसने लिखा था कि जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो नरक में जाता है, जिस पे हिंदू समाज को, हिंदू धर्म के समाज को उस बात का बड़ा रोष प्रकट होया। उन्होंने रोष प्रकट किया भी ये इस प्रकार का ये आदमी हमारे धर्म के प्रति ऐसा कर रहे हैं, जिस पर यह अभियोग अंकित होया था 15-12 और आज तस्दीक के लिए बुलाए थे। जो वो रोष व्यक्त होकर वो अपना काफ़ी आदमी इकट्ठे हो गए संख्या में और वो सड़क पर चले गए, तो उनको समझा बुझा कर ले आया और ये उनको गिरफ्तार तो उसी दिन कर लिया था, लेकिन वो आज उनको बैठ के समझाया जो अब अपने घर चले गए हैं। हाँ, उन्होंने आपस में जो हिंदू समाज के व्यक्ति हैं, ईसाई धर्म के व्यक्तियों ने, मौजूद व्यक्तियों ने लिख कर दिया भी आज के बाद हम कोई यहाँ किसी को ईसाई नहीं बनाएंगे। सर, इसमें किसी इसमें मुकदमा दर्ज है, पहले 2 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं ईसाई धर्म के खिलाफ। पहले पहले हुआ था एक आज 15 तारीख को है। 2.5 घंटे रोड जाम रहा है।